अब देखेंगे ये बैट से सबको चेकअप पे डालना है, देखेंगे कैसा रहता। सब एक गोली आप रख लीजिए, देखेंगे कौन मारता है किसका अटक होती। इधर हम दे देंगे आप गोली। ये दोस्तों मैं सबको दे रहा हूँ ये चेकअप के लिए, इससे कौन सी मच्छर अटक होती है। हमारा बीवर से है तो हम हैं, हमारा बीवर से नहीं है तो नहीं है, अब भी नहीं है। सही बात है, हमारा स्पॉट रेस्पॉट कुछ भी नहीं दोस्तों। संडे के दिन सबको बुलाता हूँ, फिशिंग करो, मैं भी करता हूँ, आप भी करो, एक मोहब्बत के साथ, जिसको नसीब में जितना लगना उतना लगता है। और बहुत दिलदार आदमी है, उन्होंने अपना खुद से बाइट ला के हमको ट्राई करने के लिए दे, उन्होंने बाइट हमको हमको क्या सबको दे, यहाँ पे सबको दिया दोस्तों बैट, सबको दिया ना, सबको दिया आप बैट। भाई कैसा है बैट भाई? जबरदस्त है ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। है कैसा है बैट भाई? जबरदस्त बैट माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूं आप लोगों की दुआ से। दोस्तों सोचा कि मैं आप लोगों के सामने फिर एक हाजिर करूं, अपडेट करूं कि आज बेहतरीन बेहतरीन बैट है, जिससे आप लोगों को जो गुच्छे का शिकार कर रहे हैं, सिंह का शिकार कर रहे हैं, और जो है क्या बोलते हैं, और जैसा लपलप का शिकार कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे शिकार है जो आटे की शिकार जो है कर रहे हैं लेकिन शिकार नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ी अपडेट लाया हूं दोस्तों। बहुत बड़ी जानकारी मुझे जो मिला है और जो मैं यूज़ कर रहा हूं वो आपके सामने हाजिर कराऊं दोस्तों। ये है बेहतरीन, ये देखिए, ये है, अब देख सब पर डब्बे में पैक है, अब भी आया है, तो ये जो है देख सकते हैं मैचिक काप है ना, ये मैचिक काप है। और इसको क्या करना है, आटे के ऊपर डालना है, कैसा डालना है वो बताता हूँ। इससे क्या होता है, मच्छी जल्दी अटक करती, क्या है जल्दी अटक करता, क्या सिंगल पर डालो, लपलप को डालो, गुच्छे को डालो, किस पे भी डालो, जल्दी अटक करती। अब कैसे आटे को मिलाना, कैसे है मिलाना, नहीं है मिलाना, कैसे मिलाना तो नहीं है, खाली उसको चिपकाना है टेस्ट आने के लिए। ये कैसा करना है ये देख सकते, ये ढक्कन में खोल लेता हूँ दोस्तों। मैं बता रहा था कि इसको जो है किस तरह लगाना है, ये देख सकते हैं, ये मैं ये बेहतरीन ये तरीका जो है अभी तक कोई नहीं बताऊंगा यूट्यूब में, शायद मेरा पहला वीडियो है ये मेरा तरीका ये। और ये पहले, इससे पहले जो मैं आप लोग पुराना वीडियो देख सकते हैं, जब सिंगूर सूख गया था, जो नाला निकला था सिंगूर, वो ब्लू कलर का जो टैंकी है, वो टैंकी जो नाला निकला था, तो मैं सिंगल में शिकार कर रहा था और गुच्छे का शिकार कर रहा था। जो हमारा पुराना सब्सक्राइबर है वो जान सकता है मेरी बातों पर, गौर कर सकता है मेरी बातों पर, कि जब मैं शिकार कर रहा था सिंगल पर मैं क्या लगा रहा था। मैं आटा गोली लगा के सिंगल पे लपलप को, मैं थोड़ा साइड से, मैं ये बाटल तो नहीं रखता था लेकिन मैं एक कटोरे में रखता था, गिलास में रखता था, कभी ढक्कन में रखता था, डाल के मैं गोली क्यों डुबाता था, देख सकते हैं मेरा पुराना वीडियो है। पुराना वीडियो से 5-6-7 वीडियो के बाद सिंगल में मिलेगा, जो मिला से मैं कैसा खटाखट मारा हूँ, है ना। तो उसी तरह ये आज पूरा डब्बे बता दे रहा हूँ मैं, ये डब्बा है देखिए, ये किस तरह करना है देख सकते हैं, ये किस तरह करना है ये मैं डाल दिया, देखिए ये देखिए ये देखिए, ये गोली कब डालना है, ये जब गोली, यह मैं आटे में ऐसा गोली लगाने के बाद डालना है। अब वो भी हम बताता हूँ खुला हम कैसे डालना है, सामान सेट नहीं लाया हूँ मैं, सोचे बता देता हूँ। जैसा मैं इनको ऐसा लगा लेता हूँ, देखिए ये मैं लगा लिया है ना, ये लगाने के बाद ये लगा लिया ना मैं, अब लगाने के बाद मैं ये आटा लगा देता हूँ, देखिए देखिए ये लगा लिया ना मैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये लगा लिया आटा, अब लगाने के बाद क्या करना है, अब इसके ऊपर डालना है, देखिए ये देखिए देखिए डाल दिया ना, इसी तरह डाल के क्या करना है, अब गोली फेंकना है। तो इसकी रिजल्ट कैसा रहता है, इसका मतलब क्या रहता है मालूम है? तो ये जो ज़मीन पे जो गिरता ना, नीचे ज़मीन पे जो गोली बैठता है, बैठने के बाद जो वहाँ से होता है पानी काटते रहता है, क्या होता है पानी काटते रहता है, तो पानी के अंदर सेंट डालता है, सेंट क्या चीज़ का, बू आते रहता है, उसका खुशबू का बू आते रहता है। बू आने की वजह से क्या होता, छोटे छोटे मच्छी भाग के आती है वहाँ पर ढूंढ देते खाने के लिए, तो उसको नोचते रहते, तो उसके क्या छोटी मच्छी तो कहती गोली तो नहीं खाती, तो बड़ी मच्छी जो होता है ना, रोहू कतला बिरगल कैसकट जो भी होता है, वो जल्दी आता है और उसको अटैक करने की कोशिश करता है। छोटी मच्छी जमा हुआ, बड़ी मच्छी कैसी भी आती है। अब एक कौवा मरता है, क्या करता है, एक कौवा पहुंचने के बाद पूरा कौवा जमा होता है, एक आदमी अगर मरता है तो उसके आदमी के पीछे 100 आदमी जमा होता है, उसी तरह एक छोटी मच्छी जमा होता है तो पूरे मच्छी वहां पर जमा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी हिसाब से हम लोग उसको अटैक करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग मच्छी मारते हैं। इसलिए आप लोग को होना है हंटिंग हावी इफ्तिकार साहब, मुगलपुरा के पास जाइए, उससे मिल जाएगा, आप ले सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, मच्छी सारी मच्छी मारिए।
एक दो मच्छी मत मारिए, थैला थैला मच्छी मारिए, इंजॉय कीजिए। और उनके बाद अगर आपको फीटर पे खेलना है, अगर आपको फीटर पे खेलना है पूरे आटा लगा लीजिए, पूरा खेलना है तो जैसा कि पूरा लगाइए। बता रहा हूँ इसका ही बारे में, बता रहा हूँ फीटर के बारे में कैसा करना है। ऐसा ये फीटर है। अब ये फीटर को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मैं अब ये गोली लगा देता हूँ। ऐसा ये मैं गोली लगा लिया, ये है ना, देखिए मैं जब ये बना दिया, आप लोग को खुला बता देता हूँ ये किसके लिए, जो नया शिकारी है दोस्तों, नहीं मारने आ रहा है आप लोगों को। मैं मेरे सीखे, मेरे से तजुर्बा लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे आदमी मेरे से सीख रहे हैं और सीखे हुए हैं। अब कोई नहीं बोल रहा है मैं आपसे तो शाम भाई आपसे सीखा हूँ, नहीं बोलते, कोई भी नहीं बोलता, वो अपने नाम खराब होता है इसलिए नहीं बोलता। मैं तो बोल रहा हूँ बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया हूँ, कितने भी यूट्यूबर रहते हैं सबका अल्हम्दुलिल्लाह टीचर दिया हूँ मछली पकड़ने का। वो नाम ले या नक्को लो, नाम नहीं लेता क्या करेंगे। देखिए ये लगा लिया ना मैं दोस्तों, अब क्या करना है ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये मैं बना दिया है ना, ये लगा दीजिए। अब लगाने के बाद इनको क्या कीजिए, लगाइए इस तरह, देख सकते हैं बॉल तो भी लगा। देखिए ये फिटर का है, ये देखिए लगाइए, लगाने के बाद फेंकिए और क्या होता है, इसको अंदर थोड़ा और बॉल को भी लगा दीजिए, जरा सेंट अच्छा आता। कैसा बन गया दोस्तों देख सकते हैं, बताइए जरा करीब से, देखिए कितना शानदार हुआ। अब इनको भी हो गया, देखिए इस तरह क्या होता, मच्छी जल्दी अटक करती। मेरे पास बहुत सारे अली बोल है, देख सकते हैं ये पूरा ये पैकिंग है, ये देख सकते हैं ये पूरा मौजूद है ये सामान। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे बहुत मज़ा आया होगा वीडियो। अब चलता हूँ मैं, अब शिकार करेंगे और देखेंगे कैसा फिशिंग होता है। बहुत सारी मछली मारिए, वो ये बैट से चेकअप करेंगे, ये बैट से क्या रिजल्ट मिलता है आपके सामने मैं आता हूँ। देख सकते हैं ये बैट है, ये है कोंडा है ना, ये कोंडा है। अगर ये बैट सक्सेस होता है तो आप लोग फ़ौरन जो है नंबर डालते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर डालते हो, उस पर फ़ौरन कॉन्टेक्ट कीजिए और मंगाइए। देखते हैं कौन कौन सी मच्छी लगती है ये बैट से। ये कोंडा डाल रहा हूँ, ये है लाल कोंडा है, मैं चेकअप करने के लिए। नियम इसमें क्या है, एक में और दूसरा एक मिलाना है, लेकिन हमको आधे ही मिलाना है चेकअप के लिए। ये हो गया आधा ले लिया मैं, और उनके बाद ये पैकेट निकालता हूँ, ये है फ्रूट का, देख सकते हैं ये है बैट फ्रूट का है ये। क्या खुशबू आ रहा है, स्ट्रॉबेरी। हाँ सवारी है, हैं हाँ सवारी है। अब ये सबको डालेंगे, थोड़ा ये डाल दिया, ये बस दो का चेकअप करेंगे और सबको एक दो दो गोली डालेंगे, जैसा रिजल्ट मिलता है। ये सवारी ज़्यादा हो गया है, थोड़ा कोंडा ज़्यादा डालेंगे। यहाँ पर जितने भी शिकारी दोस्तों सबको डालेंगे थोड़ा दो गोली, देखते ये गोली से अटक कैसी होती है, देखता हूँ मिलाता हूँ अभी। ओके बहुत चिम्मट हो गया, ये पतला हो गया, नहीं नहीं चिम्मट घट, मतलब घट है, देखो चिम्मट हो गया, जबरदस्त बैठ है दोस्तों ये, हमको उम्मीद है कि अटैक करती इसे। देखो छूका कैसा है, मस्त है ना, देखेंगे
ये बैट से सबको चेकअप पे डालना है, देखें कैसा रहता। सब एक गोली आप रख लीजिए, देखें कौन मारता है, किसका अटक होती, इधर हम दे देंगे ना। अब गोली हमारे मास्टर साहब को भी देंगे। मास्टर साहब ये दोस्तों मैं सबको दे रहा हूँ ये चेकअप के लिए, इससे कौन सी मच्छी अटक होती है, और जो मच्छी अटक होगी इंशाल्लाह वीडियो में देखेंगे वो कौन सी मच्छी अटक होती है। हमको तो उम्मीद है कतला लगता है, मिर्गा लगता है, रोहू लगता है, गैस कट लगता है, कार्पिस लगता है, कौन सा लगता है देखेंगे दोस्तों। ठीक है, लाइन पर जुड़े रहें, अगर अटक हो जाएगी मच्छी आपको सामने वीडियो हाजिर करूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कितनी शिकारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज संडे का दिन है, संडे का आज संडे मनाएंगे इंशाल्लाह। क्या बोलते हैं दादा साहब, संडे बनाएंगे आज सब मिल के। देख सकते हैं यहाँ पर ही हमारे शिकारी है संडे के दिन आए हैं हम लोग। और जनाब नमस्ते। हाँ बोलो। हम लोग वहाँ से आए, पुणे से आए मच्छी के लिए शिकार करने के लिए। कहाँ से आए आप? पुणे से आए। पुणे से आए? हाँ। कितने किलोमीटर है हमारे यहाँ वहाँ से? आप यहाँ से करीबन 400 किलोमीटर है। अब बाबा बाबा वहाँ से आए करे शिकार है? आपको हिंदी मुकारा नहीं आती? मुकम्मल हिंदी? हाँ। हिंदी आपको अच्छा आता है? हाँ, थोड़ा फीलिंग होता है। अच्छा हिंदी वाला? हाँ सॉरी, फीलिंग होता है। और हमारे साथी यहाँ पे बैठे हैं माशाल्लाह, क्या बोलना चाह रहे साहब? क्या भी नहीं है भैया। वहाँ भी दोस्तों महाराष्ट्र से आए हुए हैं। जल्दी आओ जल्दी आओ। नमस्ते दोस्तों, ये हमारे बहुत बड़े शिकारी हैं हैदराबाद के, इनके सारे वीडियो देखता हूँ मैं, और कुछ जो भी इनके टेक्निक है शिकार की वो सब मैंने सीख लिया है, वो ट्राई करने के लिए इधर आ गया था। तो अभी ये लकीली यहाँ पे मिल भी गए, उनसे मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़े शिकारी है ये, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। माशाल्लाह बहुत बहुत थैंक यू, हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा बीवर देख रहे हैं, हमारा बीवर खुश होने के लिए। हाँ इत्तेसाम खान अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारे बीवर से को भरोसा देना। आप अच्छा, क्या बोलते जी? अच्छा शिकारी है। आने के बाद इन्होंने बहुत कुछ सपोर्ट किया हमें, बहुत सारे स्पॉट दिखाए फिशिंग के, फिशिंग भी कर लिए हमने, बहुत सारी गाइडेंस किया, बहुत सारा खुश है हम। आप भी खुश है? नहीं है, नहीं मैं भी बहुत खुश हूँ आपको। ये मेरा दोबारा मुलाकात हो रहा आपसे। हाँ, पहली बार भी मैं आपको मिला था। अच्छा हाँ, राइट। तो दोस्तों ये हमारे व्यूअर्स है, तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों पूरे यूट्यूबर्स से मैं अपील करता हूँ, हर व्यूअर से मोहब्बत करो और हर व्यूअर से जो है अपना ताल्लुक जोड़ो, और दिल दो दिल लो, मोहब्बत करो मोहब्बत लो, ये अपने यूट्यूबर का फ़र्ज है। कोई यूट्यूबर सोचे कि मैं अपने आप को मैं जो क्या बोलते हैं जो मैं किसी से मिल लूँ नहीं, किसी को नंबर देना नहीं या और किसी ताल्लुक नहीं करना, वो नहीं होता दोस्तों। अगर हमारा व्यूअर्स है तो हम हैं, हमारा व्यूअर्स नहीं है तो नहीं है। अब भी नहीं है, सही बात है। हमारा व्यूअर्स है तो हम हैं, हमारा व्यूअर्स नहीं है नहीं है। तो इसलिए पहला व्यूअर्स से मोहब्बत करना सीखना चाहिए। मैं भी अपने आप को बोल रहा हूँ, मैं भी मोहब्बत करेंगे, आप भी करो, सब मिलजुल कर मोहब्बत करो भाई। एक इंसान है, एक मोहब्बत करना चाहिए। अब यहाँ पर जितने भी शिकारी है दोस्तों पूछ सकते हैं यहाँ पर, तो मैं सबको बोला फिशिंग करने लगा रहा हूँ। आइए दोस्तों, ऊपर से देख रहा है, बोला नहीं भाई आइए बैठिए, मेरे स्पॉट बैठो या कहीं बैठो, मेरा स्पॉट रेस्पॉट कुछ भी नहीं दोस्तों। संडे के दिन सबको बुलाता हूँ, फिशिंग करो, मैं भी करता हूँ, आप भी करो, एक मोहब्बत की तरह, जिसको नसीब में जितना लगना उतनी लगता है। और बहुत दिलदार आदमी है, उन्होंने अपना खुद से बाइट ला के हमको ट्राई करने के लिए दे, उन्होंने बाइट हमको क्या सबको दे, यहाँ पे सबको दिया दोस्तों, बैट सबको दिया ना, सबको दिया बैट, मैं सबको बना के दिया, मच्छी मारो और देखेंगे कैसा रिजल्ट मिलता है। सही बात है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे ये बाइट से अभी कैसा शिकार होता है वो देखेंगे। अभी आप देखते रहिए। ठीक है दोस्त, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है इंशाल्लाह इसी तरह भाई आप लोग, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हम सिखाते रहेंगे, सीखेंगे और सिखाते रहेंगे, मेरा काम वही है। कब तक ये और कितने दिन में ज़िंदगी जीऊँगा? 10 से 15 साल जीताऊंगा, 10 साल जीताऊंगा, उसके बाद क्या, उसका ख़त्म हो जाएंगे। हम सोचते हैं आप बहुत साल जिए। अरे भाई आप बोल रहे बहुत साल, कितने लोग बोल रहे आप गल्ला चिपने के चक्कर में है, डायमंड डालने के चक्कर में है। नहीं नहीं हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ सबने मारने के चक्कर में कितने लोग दुआ करने का, इसलिए दोस्तों दुआ की गुजारिश है, दुआ करना, अल्लाह सबको हयात दे, हमको भी दे आपको भी दे, सबको हयात दे और ज़िंदगी दे। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रहेगा तो इंशाल्लाह अच्छा अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे हम तो भाई सबसे मोबाइल। ठीक है दोस्तों, देखेंगे शिकार कैसा होता है। अरे वाह वेरी गुड, जब से बोल रहा था ना यहाँ बच्चा है। क्या बेटे आ जाओ, प्यारे लाडले आ जाओ,
टेंशन ना कोले जरा। अरे इधर साइड लगी नहीं, नहीं बैठ ले, ऐसा बैठी। सुबह ने निकल गया देखो, निकल के गल निकल के निकल के लगी गल निकल गई थी वो। दोस्तों बच्चा लग गई माशाल्लाह। माशाल्लाह देख सकते हैं साइज कितने किलो होगा जी ये। दोस्तों बड़ी रोहू है क्योंकि मार हल्का है थोड़ा, इसलिए इतना हिसाब से लेना है, इनको गड्ढे फेंकना है। दोस्तों मार हल्की लगी है, जरा हिसाब से निकालना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना कभी भी सींग का शिकार। हाँ चार नंबर है, पाँच और छः दोस्त खेल गए, सात नंबर के धुएं पड़े हुए। वो बेहोश हो गया, वो क्या हो गया भाई मारे रे मारे रे। మంచిగా వచ్చుకుంది గాలం अब्बा क्या रहू है दोस्तों, देख सकते रहो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कमेंट लिखो दोस्तों जल्दी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा पकड़ भाई, हाँ अच्छा पकड़ लो। कैसा रहा देख, देख सकते दोस्तों रहू, फेस नहीं दिख रहा उसका, फेस नहीं दिख रहा है मच्छी का नहीं। कहाँ जाता है देख, कहाँ जाता है, तेरे को बहुत प्यास निकाला हूँ, जल्दबाजी नहीं। देख सकते हैं हुक थोड़ा लगी थी इसलिए सोच समझ के निकाला मैं। अब मैं पूरा बताता हूँ। अरे सर कहाँ जाता तू, देख सकते दोस्तों। अरे रहू कितना किलो, कितने किलो होगा ये, डेढ़ दो किलो, सेवन
कितने किलो होंगे ये? 6 kg 6 kg ना उसे पूछेंगे, वो 1.5 किलो बोला। देखो ना कैमरा घुमा उधर, कैमरा घुमा, वो 1.5 किलो बोला है, उसे पूछेंगे कितने किलो है भाई। 5 किलो 5 7 ले सकते हैं 5 किलो सर। देखता हूँ कैसे माशाल्लाह। क्या है गिरगल? गिरगल अच्छा तुम ले बजे कहाँ जा कर क्या मिर्गल है अम्मा? माशाल्लाह दोस्तों जबरदस्त मिर्गल लगी है। समझा आ जाती कहाँ यहाँ से राहुल लग गई दोस्तों, बच्चाई मार दिए, मिर्गल मार दिए। आजा 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 भाई, ये बड़ी है आपके? नहीं जाओ, ये बड़ी है नहीं, कितने के लिए जगह देख रहा हूँ। सबसे दोस्तों ये सबसे मिर्गल देखिए क्या साइज है, मिर्गल मिर्गल बोले तो कार्प फिश बोलता नहीं। हाँ सलाम कर रहा हूँ अभी मैं, सलाम सबके, मेरी बारी है नहीं। हाँ देख सकते दोस्तों मिर्गल, क्या मिर्गल है दोस्तों, क्या मिर्गल है, वाह देख के खुश हो रहा मिजाज, शानदार दोस्तों। लगभग कितने किलो होंगे भाई बड़े भाई? 2 से 3 किलो तक रहता है। कितना था? 3 किलो 3 किलो है ना, 3 किलो है दोस्तों मिर्गल, देख सकते हैं क्या साइज है मिर्गल, वाह माशाल्लाह। नहीं जाता इंशाल्लाह। नया भाई काम करा, नायर भाई पंजे चले आराम से कैसा है बैट? जबरदस्त है, है? जबरदस्त है, बहुत अच्छे है। देखो वहाँ से बोल रहे हैं हमारे, कैसा बैट है जी? बहुत अच्छे है माशाल्लाह, अच्छा बैट है नहीं माशाल्लाह। बैट लगा टक्की होनी चाहिए। हाँ हाँ बाकी बैट बहुत अच्छे है, जबरदस्त भाई। कैसा है बैट भाई? जबरदस्त है ना माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। है हाँ कैसा है बैट भाई? जबरदस्त गाइड माशाल्लाह। दोस्तों ये है आज का शिकार, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कतला है, देख सकते हैं ये एक कतला लगी है, जबरदस्त है ना दोस्तों। देखो कतला, कतला इसको बोलते हैं, कतला कातल बोचा, देख सकते हैं जबरदस्त साइज है ना। और एक मिनट दे रहा, और दोस्तों ये देख सकते हैं ये धमाका, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उछलो नक्को जरा। ये मिर्गल देख सकते हो दोस्तों, कितनी बड़ी मिर्गल है ये। रहू बहुत बदमाशी कर रही है, जब से परेशान कर रही है। ये रहू है, हॉस्पिटल जाएंगे इसको, हॉस्पिटल लेके जाएंगे इसको। हाँ वो तंग तंग कर रहा है, इसका ऑपरेशन करने लगा है पोस्टमार्टम। ये है मिर्गल बड़ी, ये लगभग मिर्गल कितने किलो होगा जी? ये 3.5 किलो का मिर्गल है। और ये रहू कितने किलो रहेगा? 6 किलो रहता। ये रहू 6 किलो की है और बाकी वो आधा किलो की है माशाल्लाह। अच्छा शिकार हुआ इंशाल्लाह, नेक्स्ट डे से इन लोगों सबको बुलाएंगे शिकार करने। क्या बोलते मोहसिन भाई? बैट अच्छा काम करा, जरूर अच्छा बैट काम कराना आज का बैट। मोहसिन भाई ये पूरे मछली मारे बैट का कैसा लगा? बेहतरीन बैट है दोस्तों, है ना देख सकते हैं, वाह कतला है ये हमारे क्या बोलते हैं जी, नाम क्या है बोलो, मेरा पूछ रहे मैं उधर पूछ रहा हूँ। हमारे दोस्त भाई। हमारा दोस्त कुछ नहीं बोल रहे, नाराज है सर का है हमारा ताज भाई। ताज भाई कुछ नहीं बोल रहे, ताज भाई क्या, ताज भाई कुछ नाराज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। होने का आज का बैट मेरा कैसा था ताज भाई? बेहतरीन था माशाल्लाह, आज का बैट बेहतरीन बैट था दोस्तों। मच्छी मारे ये बैट से मारा, नया बैट का जो बताया मैं, ये बैट से अटक करी, बड़ी बड़ी मच्छी अटक करी, वहाँ कतला
अटक करी। और हमारे मोहसिन भाई माशाल्लाह जा रहे हैं, इंशाल्लाह सिंगल पे बुलाएंगे मोहसिन भाई को मारने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पूरे चढ़ रहे ऊपर, भाई चढ़ सकते हैं। रहो क्या साइज है रहो लगी जी, वाह क्या मेरे को बहुत बेहतरीन शिकार अलहमदुल्ला, मस्त शिकार हुआ।